वेलकम स्टूडेंट सुभाष इंग्लिश स्कूल डिजिटल लेक्चर क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल वर्कशीट आज हम चैप्टर फर्स्ट की वर्कशीट करेंगे चैप्टर फर्स्ट द फिश टेल इसके बारे में पहले आपको मैंने समझाया है एक्सप्लेन किया है पहले की जो वीडियो है उसमें हमने समझाया है किस किस टाइप की फिश होती है अलग अलग टाइप की होती है हम किसी भी शेप में फिश बना सकते हैं जैसे ट्रायंगल हुआ ऐसे मैंने आपको बताया था इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम वर्कशीट में समझेंगे और यह वर्कशीट आपको आपकी नोटबुक में राइट करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ड्रॉ आपको फिश का पिक्चर ड्रॉ करना है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ड्रॉ अ फेस विथ आईज आपको एक फेस ड्रॉ करना है उसकी आइज शो करनी है जो फिश के शेप में दिखती हो क्वेश्चन नंबर थर्ड इन वन ट्रिप द लॉग बोर्ड ब्रिंग्स अबाउट ट्वेंटी के जी ऑफ फिश बट अदर टाइप्स ऑफ बोट्स इन द टेबल द टेबल ऑल्सो शो द स्पीड ऑफ हिस्स टाइप ऑफ बोट विच इज हाउ फार हि बॉट गोज इन वन आवर लुक एट द टेबल एंड कैलकुलेट इस टेबल में आपको बॉट्स के टाइप दिए हैं वह कितना वन ट्रिप में कितना के जी फिश फिश कैच करती है और थर्ड है उसकी स्पीड बताई है वन आवर में वह कितना उसकी स्पीड कितनी है तो फर्स्ट बोट है लॉग बोट लॉग बोट वन ट्रिप में ट्वेंटी के फिश कैच करती है और उसकी स्पीड है फोर किलोमीटर पर आवर लॉन्ग टेल बोट है वह सिक्स हंड्रेड के फिश कैच करती है और उसकी स्पीड है ट्वेल्व किलोमीटर पर आवर थर्ड है मोटर बोट वह 800 हंड्रेड फिश कैच करती है वन ट्रिप में और उसकी स्पीड है पर आवर के अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर पर आवर फोर्थ है मशीन बोट मशीन बोट 6000 थाउजेंड फिश कैच करती है वन ट्रिप में और उसकी स्पीड है 22 किलोमीटर पर आवर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर ए अबाउट हाउ मच हाउ मच फिश इन ऑल विल इच टाइप ऑफ बोट ब्रिंग इन सेवन ट्रिप अगर ये सारी बोट्स सेवन ट्रिप कंप्लीट करती है तो वह कितनी फिश कैच करेगी फर्स्ट है लॉग बोट लॉग बोट कैच द फिश इन वन ट्रिप वन ट्रिप में कितना करती है ट्वेंटी के जी तो अगर वह सेवन ट्रिप लगाएगी तो कितना करेगी हम ट्वेंटी का सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हंड्रेड फोर्टी के जी कितनी ट्रिप कितनी फिश कैच करी उसने सेवन ट्रिप में 140 केजी सेकंड सेकेंड है लॉन्ग टेल बोट लॉन्ग टेल बोट कैच करती है वन ट्रिप में 600 केजी तो अगर वह सेवन ट्रिप करेगी लॉन्ग टेल बोट कैच द फिश इन सेवन ट्रिप इक्वल्स टू सिक्स हंड्रेड मल्टीप्लाई सेवन तो हम सिक्स हंड्रेड का मल्टीप्लाई सेवन से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फोर्टी टू हंड्रेड के जी सेवन ट्रिप में वह फोर्टी टू हंड्रेड के जी फिश कैच करेगी थर्ड मोटर बोट कैच द फिश इन ट्रिप इक्व एट हंड्रेड के जी मोटर बोट कैच द फिश इन ट्रिप इक्वल्स टू दिन मल्टीप्लाई सेवन मोटरबोट हंड्रेड के जी फिश कैच करती है तो सेवन से हम एट हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी सेवन ट्रिप में कितना लेगी वह फिश कितना कैच करेगी फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के जी मशीन बोट मशीन बोट

सिक्स आवर चलती है तो वह कितनी डिस्टेंस कवर करेगी सॉल्व मोटर बोट कवर द डिस्टेंस बाय इन वन आवर इक्वस टू ट्वेंटी किलोमीटर ये कहाँ से लिया टेबल से मोटर बोट वन आवर में कितना किलोमीटर चलती है ट्वेंटी किलोमीटर तो हमें फाइंड आउट करना है सिक्स आवर का तो मोटर बोट कवर द डिस्टेंस बाय इन सिक्स आवर इक्वस टू ट्वेंटी मल्टीप्लाई सिक्स तो हम 20 का मल्टीप्लाई सिक्स से कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 किलोमीटर तो मोटर बोट सिक्स आवर में कितना चली 120 किलोमीटर सी इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक अगर लॉन्ग टेल बोट 60 किलोमीटर चलती है तो उसे कितना टाइम लगेगा यह हमें फाइंड करना है सॉरी लॉन्ग टेल बोट स्पीड इन वन आवर इक्वस टू ट्वेल्व किलोमीटर लॉन्ग टेल की बोट लॉन्ग टेल बोट की स्पीड कितनी है आवर की किलोमीटर लॉन्ग टेल बोट है तो 60 का हम डिवाइड कर देंगे 12 से तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइव आवर क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर में टेबल्स दी हुई है इधर टाइप ऑफ फिश है और इधर प्राइस ऑफ फिश है फर्स्ट सार्डिनेस फिश रुपीज फोर्टी पर केजी जी सेकेंड है स्वेट फिश रुपीज सिक्सटी के सिक्सटी रुपीज पर केजी प्रॉन फिश है रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टी पर केजी स्क्वैट फिश है रुपीज फिफ्टी पर केजी इसी टेबल से हमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने हैं जो क्वेश्चन बन रहे हैं ए क्वेश्चन है फॉर्मा है सॉल्ड टेन केजी प्रॉन टूडे हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर वॉट फ्लोरमा नाम की एक फ्लोरना फ्लोरमना नाम की एक गर्ल है उसने टेन के जी फिश बेची है तो उसने कितनी मनी कमाई है? यह हमें बताना उसके पास कितना अर्निंग हुआ है सॉल्व प्राइस ऑफ प्रॉन फिश इक्वल्स टू रुपीज वन हंड्रेड फिफ्टी पर के जी यह हमें टेबल से पता चला है कि प्रॉन फिश पर के जी कितना है वन हंड्रेड फिफ्टी सो प्राइज ऑफ टेन के जी प्रॉन फिश इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई 10 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का अगर हम हम 150 को 10 टाइम प्लस करेंगे तो प्रोसेस ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो हम डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1500 तो शी गेट इक्वल्स टू ₹1500 कितना अर्निंग हुआ उसका रुपीज? ₹1500 नेक्स्ट बी ग्रेसी सॉल्ट 6 kg स्वैट फिश

ये हमको अमाउंट पता चल रही है हमारी टेबल से ग्रेसी ने कितनी बेची है सिक्स के जी तो मिनी ने कितना अर्निंग किया है सिक्सटी मल्टीप्लाई सिक्स तो रुपीज थ्री हंड्रेड ऑफ साडीनेश फिश इक्वल टू रुपीज फोर्टी पर के जी क्वान्टिटी ऑफ साडीनेश सॉल्ट फॉर रुपीज थ्री हंड्रेड सिक्सटी तो हम 360 का डिवाइड कर देंगे 40 से तो कितनी फिश आएगी क्वेश्चन नंबर फाइव बशीर है मनी ऑन स्क्वाड एंड अनादर थर्ड फोर्थ ऑन प्रोन बशीर नाम का एक बॉय है उसने हंड्रेड रुपीज में से वन फोर्थ तो स्क्वायर्ड फिश के दिए हैं और थ्री फोर्थ प्रॉन फिश के तो हमें फाइंड करना है कि उसके पास कितनी के जी फिश आई है तो ए क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ स्क्वायर डिड ही बाय उसने कितनी स्क्वायर फिश कितने की कितनी के जी खरीदी है सॉल्व so, बशीर हैज इक्वल टू रुपीज हंड्रेड ही स्पेंड वन फोर्थ अमाउंट ऑन स्क्वायर फिश उसने कितना खर्च किया है स्क्वायर फिश पे वन फोर्थ तो हम हंड्रेड का मल्टीप्लाई करेंगे वन बाय फोर से तो हम डिवाइड कर देंगे अब ये फोर इसके अपॉन में आ जाएगा तो फोर से हंड्रेड का डिवाइड किया तो हमारा कितना आया टू के जी ट्वेंटी कितना है फिफ्टी पर केजी मतलब वन केजी की वन के जी का अमाउंट है फिफ्टी तो सो ही गेट स्क्वायर फिश इक्वल्स टू हाफ के जी वन बाय टू के जी उसने कितनी खरीदी है अगर ट्वेंटी फाइव रुपीज दिया है तो हाफ के जी फिश उसने खरीदी है प्रॉन का थ्री फोर्थ दिया है तो हम पता करेंगे कि उसने कितनी के जी फिश प्रॉन फिश खरीदी है बशीर fish. तो हम आ, 100 का मल्टीप्लाई 3 बाय 4 से करेंगे तो 300 हो जाएगा और 4 का डिवाइड कर देंगे 300 से तो आंसर आएगा रुपीस 75 तो कॉस्ट ऑफ प्रॉन फिश इक्वल्स टू रुपीस 150 पर केजी मतलब एक किलो फिश 150 की है और उसने कितना खर्च किया है 75 तो कितनी आएगी हाफ केजी तो दोनों फिश उसने हाफ हाफ केजी अमाउंट दिया है और ली है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक मिनकर बैंक हैज जस्ट बिगन फाजिला इज द प्रेसिडेंट फिशर वुमन हैव मेड देयर आउंड बैंक इच सेव रुपीज ट्वेंटी फाइव एवरी मंथ एंड पुट इन द बैंक क्वेश्चन बन रहा है हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट इच मंथ एक मीटिंग में मिनकर बैंक में फाजिला नाम की एक लेडी से जो प्रेसिडेंट से मिलती है और उसके ग्रुप की ट्वेंटी फिशर वूमन है कितनी है ट्वेंटी और वह हर मंथ ट्वेंटी फाइव रुपीज मंथ वहाँ जमा करवाते हैं तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि वह हर मंथ कितनी अमाउंट कलेक्ट करके बैंक में जमा करवाते हैं यह हमें फाइंड आउट करना है तो सॉल्व मनी कलेक्टेड बाय इच कितनी दे रहा है ट्वेंटी और टोटल कितने मनी कलेक्टेड द ग्रुप ऑफ ट्वेंटी में ट्वेंटी में से हर एक मेंबर हर मंथ ट्वेंटी फाइव रुपीज देता है तो पर मंथ इक्वल कर देंगे हम तो आंसर आएगा हमारा रुपीज फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड रुपीज हर मंथ वह बैंक में जमा करवाते हैं बी क्वेश्चन हाउ मच मनी विल बी कलेक्ट इन टेन इयर्स अगर वह एक मंथ में फाइव हंड्रेड करवाते हैं तो वह टेन ईयर में कितना करते होंगे कितनी मनी कलेक्ट करते होंगे मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन टेन ईयर्स वन ईयर्स के ट्वेल्व मंथ होते हैं और टेन ईयर्स के वन ट्वेंटी मंथ तो हम फाइव हंड्रेड का वन ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रुपीज सिक्सटी थाउजेंड तो वह टेन ईयर में कितनी अमाउंट कलेक्ट करेंगे सिक्सटी थाउजेंड क्वेश्चन नंबर सेवन ग्रेसी टूक लोन ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड टू बाय अट शी पे बैक रुपीज थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव एवरी मंथ फॉर वन ईयर हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू दैंक ग्रेसी ने लोन लिया है फोर थाउजेंड का उसे हर महीने देना है थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव बैंक को हर महीने देना है तो वह बैंक में कितना अमाउंट देगी सॉल्व लोन टेकन बाय ग्रेसी इक्वल टू रूपीज फोर थाउजेंड अमाउंट पे रूपीज 345 पर मंथ वह पर मंथ 345 बैंक में जमा करवा रही है जो उसकी ई एम आई है वन ईयर पे थ्री टू 345 तो वन ईयर में 12 मंथ होते हैं तो हम 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 345 से तो हमारा आंसर आएगा रुपीज फोर अब उसने लोन कितने का लिया था 4000 का पर उसे देना ज्यादा पड़ा कितना दिया उसने ऊपर हम इसमें से अगर फोर्थ थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी में से माइनस करेंगे तो वन हंड्रेड फोर्टी और टोटल अमाउंट उसने दिया है फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फोर्टी झांसी लोन ऑफ रूपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड टू बाय बोट दे पे बैक अ टोटल ऑफ रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी इन वन ईयर हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ झांसी ने उसकी सिस्टर को लोन दिलाया था लॉक बोर्ड के लिए जो उसने लिया था ट्वेंटी वन थाउजेंड का अब उसने टोटल अमाउंट बैंक को कितनी दी है एक साल में वन ईयर में ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि वह एवरी मंथ बैंक में कितना अमाउंट पे करते थे सॉल्व अमाउंट पे बाय झांसी एंड हर सिस्टर टू द बैंक इन वन ईयर वन ईयर में ट्वेल्व मंथ होते हैं तो ट्वेल्व मंथ में उन्होंने ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी दिया तो अमाउंट पे एवरी मंथ इक्वल्स टू रुपीज ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी डिवाइडेड बाय ट्वेल्व हम ट्वेल्व का इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा रुपीज वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी तो उन्होंने पर मंथ बैंक में कितना पे किया रुपीज वन हंड्रेड वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी थैंक यू स्टूडेंट आपको यह नोटबुक यह वर्कशीट नोटबुक में राइट करना है